गैस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से पीडीएफ एक्सट्रैक्शन किया जाता है पाइथन की सहायता से। अगर मैं आप लोगों को ये पीडीएफ दिखाऊं तो ये सिंपल सी प्रोगिट नाम की एक बुक है, उसकी पीडीएफ है। आप कोई भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आपको कभी भी कोई पाइथन मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए उस पाइथन मॉड्यूल की जो फंक्शनैलिटी है वो रटी नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पर पाई पीडीएफ 2 सर्च कर रहा हूँ, एक काफ़ी जाना माना मॉड्यूल जो कि पीडीएफ एक्सट्रैक्शन में काम आता है। और अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है, आप इस पेज पर लैंड करते हैं सर्च करके पाई पीडीएफ 2 का। मैं सबसे पहले इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करूँगा, तो मैं यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ main.py और एक टर्मिनल खोलता हूँ। एंड आई एम गेसिंग कि pip install pypdf2 करके ये इंस्टॉल हो जाएगा। और हाँ, ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी लिखा होगा कहीं ना कहीं, बट आई डोंट केयर एट दिस पॉइंट, क्योंकि मुझे इसको यूज़ करना है कुछ भी करके, ठीक है। तो एक पहली चीज़ जो कि मैं करना चाहूँगा इस बुक में से, वो है कि ये टेक्स्ट को मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहूँगा किसी भी तरीके से। लेकिन उसके लिए मुझे इस पीडीएफ को अपने पाइथन प्रोग्राम में लाना होगा। अब इस पॉइंट पर अगर मुझे कुछ भी नहीं मालूम है तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं पीडीएफ फाइल रीडर क्लास इसको खोलूँगा, क्योंकि रीडर से मुझे ये वाइब मिल रही है कि ये क्लास जो है रीड करने में मेरी सहायता करेगी। इसके पैरामीटर्स क्या क्या है? इसका जो एक इम्पॉर्टेंट जो मुझे देना ही देना है नेसेसरी पैरामीटर है स्ट्रीम। ये कह रहा है एक फाइल ऑब्जेक्ट है और ये एक स्ट्रिंग भी हो सकती है जो कि पाथ ऑफ अ पीडीएफ टू अ पीडीएफ फाइल, जो कि पीडीएफ फाइल का पाथ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ज़रा इसको इम्पोर्ट करते हैं पाई पीडीएफ 2 में से। तो मैं अगर इसको इम्पोर्ट करूँ फ्रॉम पाई पीडीएफ 2 इम्पोर्ट, और इसको अगर मैं इम्पोर्ट करूँ, मैं एक चीज़ करता हूँ कि यहाँ पर नीचे अगर कोई एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, नहीं दिया एग्जाम्पल, बट पाई पीडीएफ 2 कुछ इस तरह से, तो मैं इसको इम्पोर्ट करता हूँ यहाँ पर। और मैं यहाँ पर लिखूँगा इम्पोर्ट पाई पीडीएफ 2, और ये करने के बाद मैं लिखूँगा पाई पीडीएफ 2 डॉट, और इस ऑब्जेक्ट का नाम लिखूँगा, क्या नाम है इस ऑब्जेक्ट का? पीडीएफ फाइल रीडर। और ये लगता है खुल गया है पाई पीडीएफ 2 डॉट पीडीएफ फाइल रीडर, और मैं यहाँ पर प्रोगिट डॉट पीडीएफ दे दूँगा। इसको रन करके देखता हूँ, और इसको मैं रन कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल सही से रन हो गया है, ठीक है। तो बिल्कुल सही, तो यहाँ पर ये रन हो चुका है और ये यहाँ पर बोल रहा है। अब कभी कभी क्या होता है ना वीएस कोड में, मैं एक बात बताता हूँ आप लोगों को, आप कभी कोई मॉड्यूल इंस्टॉल करते हो और उसके बाद वो आपको अनरिजॉल्व बता रहा है, तो आप वीएस कोड रीस्टार्ट कर लिया करो। मुझे नहीं पता ये क्यों होता है, बट जब आप VS Code रीस्टार्ट करते हो तो वो प्रॉब्लम चली जाती है, ठीक है। तो कभी भी कोई मॉड्यूल आपने इंस्टॉल कर रखा है और वो बता रहा है कि अनरिजॉल्व मॉड्यूल, तब आप रीस्टार्ट कर लिया करो अपने पाई पीडीएफ 2 सॉरी VS Code को, और आपका फिर ये दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर A इज इक्वल टू ये लिखता हूँ पाई पीडीएफ 2 डॉट पीडीएफ फाइल रीडर, तो आप लोग देखो यहाँ पर ये एक पीडीएफ फाइल रीडर ऑब्जेक्ट मुझे बनाकर दे देता है। अब इसके कुछ मेथड्स हैं जो कि इसने दिए हुए हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट इन्फो है, रीड ओनली प्रॉपर्टी दैट एक्सेसेस दी गेट डॉक्यूमेंट इन्फो। मैं डॉट डॉक्यूमेंट इन्फो ज़रा देखता हूँ करके क्या होता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए डॉट डॉक्यूमेंट इन्फो और इसको रन करके देखता हूँ, और यहाँ पर देखो सारी के सारी इस पीडीएफ से एसोसिएटेड बातें मुझे पता चल गई हैं, जैसे कि टाइटल, प्रोगिट, ऑथर, ये रहा, क्रिएटर भी है यहाँ पर कि भाई ये इस चीज़ से बनाया गया है, और प्रोड्यूसर का नाम दिया हुआ है, मॉडिफाइड डेट का नाम भी दिया हुआ है कि भाई इस डेट को ये मॉडिफाई की गई थी, क्रिएट की गई थी इस डेट को। तो इस तरह से मैं डॉक्यूमेंट की इन्फो ले सकता हूँ, ठीक है। अब नीचे आते हैं और फंक्शंस देखते हैं। देखो, रटे होने की ज़रूरत नहीं है सारे फंक्शंस, कौन रटेगा? आपको लगता है कि कोई भी एक ह्यूमन बींग इनको याद करेगा बैठ के? एक ह्यूमन बींग गूगल पर सर्च करके इस पेज पर अराइव कर सकता है। मैं बस ये बात इसलिए बता रहा हूँ आपको बार बार, क्योंकि ये मिथ है, एक बहुत बड़ा मिथ है कि आपको याद होने चाहिए सारे फंक्शंस, चाहे वो ब्यूटीफुल सूप मॉड्यूल हो, चाहे वो रिक्वेस्ट मॉड्यूल हो, कोई भी पाइथन का मॉड्यूल हो। एज अ पाइथन प्रोग्रामर आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये बताना चाहता हूँ बस। मैं ये सारे फंक्शंस एक एक करके रन कर सकता हूँ, बट मैं चाहूँगा कि आप रन करें। मैं अभी यहाँ पर गेट नम पेजेस में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसमें कितने पेजेस हैं उसको देखना, ठीक है। तो मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, 517 पेजेस हैं इसमें, ठीक है, 517 पेजेस हैं। देखते हैं इस बात को, ये सच है या गलत है। 517 पेजेस हैं, देख रहे हो यहाँ पे 517, 1 out of 517। तो 517 में से अगर मैं एक एक करके रीड कर सकता हूँ, तो उसके लिए एक फंक्शन यहाँ पे देखो गेट पेज है, रिट्रीव्स अ पेज बाय
नंबर फ्रॉम दिस पीडीएफ फाइल। इसको रन करके देखते हैं गेट पेज को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं पेज नंबर टू लिखूँगा, मैं कहूँगा गेट पेज और मैं नंबर टू, पेज नंबर टू में इंटरेस्टेड हूँ। इसको प्रिंट करके देखते हैं और ये देखो कुछ इस तरह से, ये कह रहा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि ये किसी ऑब्जेक्ट के तौर पे मुझे इस पेज को दे रहा है। कह रहा है टाइप पेज है, पेरेंट ये है, मीडिया बॉक्स ये है, इस तरह से ये मुझे इस ऑब्जेक्ट को दे रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह से मुझे, मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं पाइथन में, मैं लेकिन इंटरेस्टेड हूँ एक पेज के टेक्स्ट में, ठीक है, कि किस तरह से मैं उसके अंदर का टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर पाऊँगा। तो उसके लिए मैं फंक्शन ढूंढ रहा हूँ अभी यहाँ पर, और एक अगर मैं पेज के अंदर का टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, मैं ज़रा टेक्स्ट लिख के देखता हूँ, हो सकता है कुछ मिले मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कुछ मिला नहीं, तो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिला। मैं यहाँ पर देखता हूँ एक पेज ऑब्जेक्ट क्लास है, देखता हूँ इसमें मुझे कुछ लक मिलता है क्या। तो एक पेज ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैंने बना लिया ऑलरेडी, क्या मैं इसका एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट में रन कर सकता हूँ? तो ज़रा मैं डॉट एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट इसका रन करके देखता हूँ और देखता हूँ कुछ लक मुझे मिलता है या नहीं मिलता है। तो मैंने इसको रन किया और ये देखो इसका जो टेक्स्ट था वो एक्सट्रैक्ट हो गया। उतने अच्छे तरीके से नहीं हुआ बट मैंने इसका टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो अगर मान लो मैं इस पूरे पीडीएफ के टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करके, या फिर एक काम करते हैं, 1 से लेकर 10 तक जितने भी मेरे पास पेजेस हैं उनका मैं टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके और एक टेक्स्ट फाइल में डालना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है, ये देखते हैं। तो मैं यहाँ पर इन दोनों को अभी कमेंट आउट कर देता हूँ, मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए किया था किस तरह से आप फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकते हो इस मॉड्यूल की। आप क्या करो, लिखो फॉर आई इन रेंज और 1 से लेकर 10 तक चाहिए मुझे, 1 to 11 कर दूंगा मैं, तो ये लूप चलेगा 1 से लेकर 10 तक। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा एक स्ट्रिंग इनिशियलाइज़ कर दूँगा जो कि ब्लैंक होगी। इनफैक्ट मुझे वो लाइन ऑफ कोड चाहिए था जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं एक स्ट्रिंग जो है वो इनिशियलाइज़ कर दूँगा और मैं कुछ इस तरह से ये रन कर दूंगा। मैं कहूँगा str+=a.getPage.extractText, ठीक है, ये कर दिया। अब यहाँ पर मैं str को ब्लैंक कर दूंगा और str को ब्लैंक करके फॉर i इन रेंज 1 to 11 इस तरह से आ गया और str+=a.getPage और मैं यहाँ पर i लिख दूंगा। ith पेज के टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करो और उसको फिर क्या करो, str में लॉक करो। और मैं क्या करूँगा, इस पेज को फिर फाइनली एक फाइल में राइट कर दूँगा। तो मैं लिखूँगा विद ओपन टेक्स्ट डॉट txt, इसको राइट मोड में खोलूँगा और मैं क्या करूँगा f.write str कर दूँगा और मैं इसको एज एफ खोलूँगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको खोला, मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर कुछ एरर आया लगता है। क्या एरर आया, कैरमैप कोडेक कांट इनकोड कैरेक्टर दिस इन पोजिशन। ओके, तो मुझे यहाँ पर इनकोडिंग भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, तो मैं UTF-8 इनकोडिंग स्पेसिफाई करता हूँ, ठीक है, मैं UTF-8 इनकोडिंग स्पेसिफाई करूँगा। और अभी मेरा काम देखो हो चुका है, ये रन हो गया है और ये देखो एक text.pdf मेरी बन गई है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पर देखो कि ये जो टेक्सचुअल फॉर्म में ये जो फाइल है एज इट इज़ इसने डंप कर दिया है इसमें। देखो इसके शुरू के पेजेस की जो सारी टेक्स्ट थी वो मेरे पास आ गया है। कभी कभी ये चीज़ बहुत यूज़फुल हो जाती है। अब मैंने सिर्फ 1 to 10 तक किया है, मैं इसको 1 to 30 तक भी कर सकता था इस तरह से। तो मैं ये करूँगा तो ये फाइल जो है इसमें 30 तक कंटेंट आ जाएगा, तो और कंटेंट देखने को मिलेगा इसमें। तो कभी भी आप किसी PDF को एक टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक वीडियो जो मैंने बनाया, इसकी सहायता से मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता था किस तरह किसी नए मॉड्यूल को यूज़ करना है, क्योंकि देखो मॉड्यूल आते जाते रहेंगे और आप हर मॉड्यूल के फंक्शंस को रट नहीं सकते, ये एक फैक्ट होने वाला है, ठीक है, हमेशा के लिए याद रखना आप लोग इस बात को। तो आपको हमेशा ये स्किल डेवलप करनी है कि आप गूगल सर्च करके पेज पर पहुँच जाओ डॉक्यूमेंटेशन की और आप इस मॉड्यूल को यूज़ कर पाओ। अब क्या होता है कि बहुत सारी सर्विसेज हैं ऑनलाइन, जैसे कि कॉन्कैटिनेट PDF, ये देखो ilovepdf.com। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इस तरह के मॉड्यूल्स को इस्तेमाल करती हैं, सारे प्रोडक्ट्स जो बना रखे हैं लोगों ने वेबसाइट्स बैकएंड में, वो इसी तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, थीके? यही फंक्शंस है जो कि यूज़ करती हैं, ये नहीं तो कोई दूसरा मॉड्यूल किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो यूज़ कर रही होगी। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस
वो इसी का इस्तेमाल करती है। अब आप पीडीएफ फाइल राइटर क्लास का यूज़ कर सकते हो फाइल राइट करने के लिए, वो सब चीज़ें आप एक्सप्लोर करना। इस वीडियो के माध्यम से मैं बस ये बताना चाहता था कि किस तरह से आप इस मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हो, अलग अलग फंक्शंस आप ट्राई करो। देखो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, गेट कंटेंट्स दिया हुआ है, इस पेज के कंटेंट आपको मिलेंगे। एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट करोगे तो क्या होगा कि आपको सारे के सारे टेक्स्ट में मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है लोकेट ऑल टेक्स्ट ड्राइंग कमांड्स इन ऑर्डर इन द ऑर्डर दे आर प्रोवाइडेड इन द कंटेंट स्ट्रीम एंड एक्सट्रैक्ट द टेक्स्ट। दिस वर्क्स वेल फॉर सम पीडीएफ फाइल्स बट पुअरली फॉर अदर्स डिपेंडिंग ऑन द जनरेटर यूज। दिस विल बी रिफाइंड इन द फ्यूचर, डू नॉट रिलाई ऑन द ऑर्डर ऑफ टेक्स्ट कमिंग आउट ऑफ दिस फंक्शन। तो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, ऑर्डर पर आप रिलाई मत करें, क्योंकि इसके और फंक्शंस हैं जो कि आपको बताएंगे क्या चीज़ कौन सी जगह पर है पीडीएफ में, तो वो सारी चीज़ें आप लोग जो है यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप कि ये जो प्रोग्राम है ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और आप लोग इसकी सहायता से पीडीएफ को रीड करना सीख गए होंगे। मैं चाहता हूँ आप लोग इसके कम से कम एक फंक्शन को एक्सप्लोर करके नीचे कॉमेंट करें और मुझे बताएं कि वो कौन सा फंक्शन है जो आपने एक्सप्लोर किया और वो फंक्शन क्या करता है ये भी कमेंट करना नीचे, ठीक है। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतने गए। अगर आप लोगों को पाइथन प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस के और वीडियोस चाहिए तो ये प्लेलिस्ट है मेरे पास, इसी में ऐड करूँगा आने वाले प्रोग्राम्स भी। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।